हेलो स्टूडेंट्स आई एम सनी गुप्ता ऑफ मैथ्स टीचर टूडे विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास एट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपका चैप्टर है उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई द नंबर बाय वन बाई टू आपको क्या करना है जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे आपने लिख करते जाना है जैसे कह रहा है थिंक ऑफ अ नंबर तो लेटर नंबर जो भी आपने सोचा है वो क्या है एक्स मल्टीप्लाई द नंबर बाय वन बाई टू इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है वन बाई टू से वन बाई टू ऑफ एक्स एंड एड फाइव टू द प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर एड क्या करना है फाइव वी ओव टेन सिक्स इज इक्वल टू के आंसर आ रहा है सिक्स तो जैसे उसने बोला हमने वैसे ही कर दिया अब x इसका मतलब क्या है एक्स बाई टू सिक्स फाइव उधर जाकर माइनस हो गया सिक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू इजिकल टू वन एक्स ये टू उधर जाकर मल्टीप्लाई वन से हो जाएगा टू आंसर तो क्या आ गया वो तो टू टू ही वो नंबर है जिस जो उसने सोचा था ओके नेक्स्ट फाइंड टू कंजीक्यूटिव इवन नंबर्स देखो कंजीक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं लगातार जैसे पहला नंबर तीन है तो नेक्स्ट फोर होगा फाइव है तो सिक्स होगा अब कंजीक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है तो पहला दो है तो फिर फोर होगा तो तो चार होगा छ होगा आठ होगा इस तरीके से ठीक है तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया है नंबर कंसेक्यूटिव ओड नंबर है तो पहला वन है तो फिर थ्री होगा फिर फाइव होगा इसी तरीके से मतलब दो दो ऐड हो रहे हैं और अगर इवन नंबर की बात करें टू फोर सिक्स होगा ठीक है इसमें भी दो दो ऐड हो रहे हैं तो आप कंडीशन के ऊपर एप्लीकेबल है तो आपने पहला नंबर दोनों ही केसेस में कन्जटिव इवन हो या कन्जीक्यूटिव ओड हो दोनों ही केसेस में आपने पहला नंबर एक्स लेट करना है सेकंड एक्स प्लस टू लेट करना है ओके okay, तो हमने पहला नंबर जो है लेट करा है वो एक्स है नेक्स्ट नंबर एक्स प्लस टू है तो टू कंजीकटिव इवन नंबर सच दैट स्मॉलर ऑफ द टू नंबर स्मॉलर कौन सा है एक्स होगा ऑब्वियसली स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज फोर बाय फाइव टाइम्स द लार्जर नंबर तो एक्स स्मोलर ऑफ द टू नंबर एक्स इज इज इक्वल टू फोर बाय फाइव ऑफ एक्स प्लस टू इस तरीके से आप निकले एक्स इज इक्वल टू फोर बाय फाइव एक्स प्लस टू इक्वेश को सोल्व करके आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेजेस ऑफ वीना एंड सीमी आर इन द रेशो ऑफ टू रेशो फाइव तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज नहीं पता तो हम दोनों की प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मान लेंगे वीना की प्रेजेंट एज हमने एक्स लेट कर ली है सिमी की प्रेजेंट एज हमने वाई लेट कर ली है ठीक है अब दोनों की रेशो की बात कर रहे हैं तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू टू बाई टू बाय फाइव होगा ठीक है यहाँ से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा या तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या वाई तो की वा, कर, लो, या y कर लो मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है तो वाई उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू वाई बाय फाइव फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी आज से चार साल बाद चार साल बाद की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज में फ़ोर ऐड होगा जैसे कि आज अगर आप पाँच साल के हैं तो चार साल बाद नौ साल के हो जाएंगे फोर ऐड हो गया है सेम इसी तरी इसमें भी फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ इसकी एक्स प्लस फोर हो जाएगी इसकी वाई प्लस फोर हो जाएगी दोनों में फोर ऐड कर दिया अब इसकी रेशो क्या बन गई है वन बाय

डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ वाई प्लस फोर है, ठीक है अब ये फाइव वाई फाइव वाई प्लस ट्वेंटी हो जाएगा फाइव वाई प्लस ट्वेंटी ठीक है इस इक्वेशन को सोल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये जो थी यहाँ पर हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोनों की प्रेजेंटेज निकल गई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर ठीक है दो डिजिट्स का जो दो डिजिट नंबर है मान लो कोई भी नंबर है थर्टी सेवन फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव कुछ भी है उसमें जो दो डिजिट हैं इन दोनों के डिजिट का सम जो है दैट इज सेवन तो हमने दोनों डिजिट को लेट करना पड़ेगा हमने एक डिजिट को एक्स मानना है दूसरे को वाई मानना है तो हमने यूनिट प्लेस डिजिट को एक्स मानना है टेंस प्लेस डिजिट को वाई मानना है आपको पता है हमने छोटे क्लास में क्या लिखते थे थर्टी फाइव वगैरह लिखते थे थर्टी मल्टीप्लाई सॉरी थ्री मल्टीप्लाई टेन प्लस फाइव या फिर नाइन्टी फाइव है इसको क्या लिखते थे नाइन मल्टीप्लाई टेन प्लस फाइव तो ये जो टेन है ये एज इट इज़ रहेगा टू डिजिट नंबर में चेंज क्या हो रहे हैं ये दो वैल्यू चेंज हो रही है और ये क्या है टेंस प्लस डिजिट ये क्या है यूनिट प्लस डिजिट क्योंकि इसको साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ टेन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्हीं को हमने एक्स मानना है तो ये नंबर क्या बन गया टेन वाई प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स ठीक है तो पहली जो इक्वेशन बनी थी हमारी दो डिजिट्स जो हैं एक्स और वाई उनका सम जो है वो क्या है था सेवन यहाँ से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली एक्स की निकाल लो सेवन माइनस वाई अब क्या कह रहे हैं द नंबर ऑफटेंड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्ससीड्स द नंबर ऑफटेंड बाय इंटरचेंजिंग हमने इनको इंटरचेंज कर दिया एक्स के प्लेस पर वाई वाई के प्लेस पर एक्स टेन एक्स प्लस वाई बन गया नंबर अब अब नंबर की बात कर रहा है तो हमने ये नंबर लेना है और डिजिट्स की बात कर रहा है तो एक्स और वाई लेने हैं ठीक है अब ये नंबर की बात कर रहा है द नंबर ऑफटेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स यानी टेन एक्स प्लस वाई एक्सिड द ओरिजिनल नंबर बाय ट्वेंटी सेवन यानी ट्वेंटी सेवन जो है जो ओरिजिनल नंबर सबसे ट्वेंटी सेवन बड़ा है तो ओरिजिनल नंबर टेन वाई प्लस एक्स था आप उसके अंदर ट्वेंटी सेवन ऐड करेंगे तब इसके कुल आएगा यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर ईजिली आ जाएगा ठीक है हम देख लो टेन एक्स प्लस वाई ये एक्स वाली टर्म में एक तरफ ले गए वाई वाली टर्म भी उधर ले गए सोल्व करके हमने एक्स माइनस वाई इजल टू थ्री हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या थी सेवन माइनस वाई हमने यहाँ पुट कर दी पुट करने के बाद हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने यहाँ पर पुट कर दी एक्स की वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास नंबर जो है वो टेन वाई प्लस एक्स था पुट करके हमारे पास आंसर आ गया थैंक यू स्टूडेंट्स